अभिनंदन। दोबारा मत आजियो। स्वागत है आपका हमारे शो कौन बनेगा रिंकुआ के पति में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो आपका क्वेश्चन रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, घर वालों के बाहर जाने के बाद घर में किए जाने वाले कार्यों को सही क्रम में सजा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए घर की सफाई करना, ऑप्शन बी किवाड़ी लगाना, ऑप्शन सी लाइट ऑफ करना, ऑप्शन डी गर्लफ्रेंड को घर पे बुलाना। और जिन लोगों ने सबसे तेज जवाब दिया है उनमें से सबसे पहला नाम है एडविक रोशन। तो रोशन जी आपने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या बोलूं सर, मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो मैं किसको घर पे बुलाऊं क्या? अद्भुत अविश्वसनीय। आ जा बेरंड में, आ जा तू खेल, आ जा आ जा। कौन बनेगा रिंकुआ के पति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो भाइयों और रोशन की बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रोशन जी जो है बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और ये सबसे बड़े रनवे हैं, इनके कोई स्टैटिक नहीं है। तो रोशन जी आपके साथ कौन आया है यहाँ? मैं अपने बड़े रनवे मतलब मेरे बड़े भैया के साथ, और मेरे बगल में मेरे मित्र वो भी रनवे, वो भी हमारे साथ हैं। तो नमस्कार बड़े रनवे, आई मीन बड़े भैया। तो आप क्या करते हैं? कुछ करते तब यहाँ होते। तो रोशन जी आपके बड़े भाई के जो है बहुत नेक विचार है। तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा रिंकुआ के पति। तो रोशन जी ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन तो आसान होता, इसी पेल देंगे। जापान में जब सबसे पहले परमाणु बम गिरा तो क्या फटा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बम, ऑप्शन बी मिसाइल, ऑप्शन सी आपकी गांड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये तो चीटिंग है, पहला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, तो चीटिंग है। देखिए रोशन जी, अगर आपको रिंकुआ का पति बनना है तो आपको इसका जवाब देना होगा। मैं लेना चाहूंगा। अभी नहीं, रात को। क्या गंदा आदमी, मैं ऑडियंस वोट लेना चाहूंगा। तो टिकटिकी महाशय, टिकटिकी बंद कर दी जाए क्योंकि रोशन जी के पहले ही क्वेश्चन में गांठ फट चुकी है। तो ऑडियंस आपका शुभ समय शुरू होता है अब। एक बात बोले, तुम ना एकदम सुंदर लग रही हो यार, एचडी क्वालिटी वाला या वाईफाई बहुत मस्त है। कंप्यूटर महाशय, तो ऑडियंस आपका समय शुरू होता है अब। तो रोशन जी क्या आप ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे? एक मिनट इधर आना। साले जब तुझे ऑडियंस के साथ जाना ही नहीं था तो तूने वोट क्यों करवाया? जापान में परमाणु बम गिर के कुछ फटे ना फटे, एक क्वेश्चन देख के मेरा गार्ड जरूर फट गया। ये बिल्कुल सही जवाब है रोशन कुमार, आप जो है वो सारे प्रचार कर चुके हैं कौन बनेगा रिंकुआ के पति के। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। बंदर क्या जाने ऐश का स्वाद। आपके ऑप्शन ये रहे ए डोमिनोज, बी पिज्जा, सी अदरक, या डी बंदरिया। डोमिनोज तो बंदर जा नहीं सकता, पिज्जा जब मैं एक बार खा रहा तो लेके भाग गया था, तो पिज्जा का स्वाद तो जानता हूँ। सी और डी में कंफ्यूज हूँ, मैं 50-50 खेलना चाहूंगा। क्या खेलना चाहेंगे आप रोशन? मैं 50-50 खेलना चाहूंगा। तो
टिकटिकी महाशय बंद हो जाइए, रोशन जी के दूसरे क्वेश्चन में भी गांठ पड़ चुके हैं, यही है आज के नौजवान। तो चलिए रोशन जी खेलते हैं 50-50। चलिए रोशन जी आपने 50-50 खेल लिया है, अब उत्तर बताइए। सर इसमें 50-50 नहीं, 20-20 खेलेंगे, बहुत टाइम लगेगा था 50-50। हाँ हाँ ठीक है, चलिए उत्तर बताइए, औरों को भी खेलना है भोसड़ी के। ऑप्शन सी पे लॉक कर दीजिए। सी ही क्यों रोशन जी, ठीक क्यों नहीं, बंदरिया का भी तो स्वाद नहीं जानता होगा बंदर। सी से हमारा बहुत गहरा नाता है। तो कंप्यूटर महाशय ऑप्शन सी अदरक का स्वाद लॉक कर दिया। तो ये सही जवाब है, अदरक का स्वाद। आप रिंकुआ के पति बनने के लिए दूसरा लेवल पार कर चुके हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 50-50 का बहुत ही अश्लील तरीके से यूज किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन रोशन जी, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ऐसे ही खेलते रहिए। तो रोशन जी तीसरा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। घर पे बीवी सबसे ज्यादा क्या करती है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नहीं दिए सर, हमको पता है इसका आंसर। इसका आंसर बीवी सबसे ज्यादा मेकअप करती है। बिल्कुल सही जवाब, आप जीतते हैं तीसरा लेवल भी। तो रोशन जी आप रिंकुआ के पति बनने के लिए अंतिम पड़ाव पहुंच गए हैं। अंतिम क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप करते क्या हैं? मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छा ठीक है, वो तो मैं जान गया, पर आप करते क्या हैं? मैं बहुत गरीब हूँ। तेरी जात का पैदा मर्द। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन बनेगा रिंकुआ के पति में? आप अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए रोशन कुमार। अब आपको एक महान एक्टर की तस्वीर दिखाई जाएगी, जिसे देख करके आपको उसका नाम बताना होगा। तो कंप्यूटर महाशय तस्वीर दिखाई जाए। तो रोशन जी आपके ऑप्शन है ए जॉनी डीप, बी जॉनी हनी, या सी जॉनी सिंस, या डी इनमें से कोई नहीं। कौन है ये मादर जात? मैं इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहूंगा। क्या बोला? आपको इस महान हस्ती की नाम नहीं मालूम? जब रात होता है तो लड़कों के मोबाइल में सिर्फ इन्हीं का नाम सर्च होता है। आपको मालूम है इसका इनका कितना लंबा दिल है? दिल तो बड़ा सुने, लंबा कब से होने लग गया? इनका लंबा भी है और बहुत मोटा भी। ठीक है मान लिया इनका लंबा और मोटा भी है, तो अपनी गांव डाल लीजिए, क्वेश्चन को स्किप कीजिए। साला मदरबोर्ड काट, उठा के ले जाओ इनको, दिन रात जॉनी भैया के मूवी दिखाओ, और नई वाली मुझे भेज देना। तो देवी और सज्जनों, कौन बनेगा रिंकुआ के पति में? जो है रोशन कुमार जी अंतिम पड़ाव पे हार चुके हैं, तो आप देखते रहिए कौन बनेगा रिंकुआ के पति। अरे भाई यार, ये हर बार कुछ आदमी आता है, वो अंतिम पड़ाव का जवाब कहीं दे पाता है। क्योंकि रिंकुआ के पति जो है वो खुद हम बनना चाहते हैं।